हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अभिनव जोशी। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स फॉर द डेट ऑफ 10th of May 2021। तो 10 मई के हिसाब से 2021 के हम लोग यहाँ पर करंट अफेयर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं क्लास की ऑडियो वीडियो चेक कर लेता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मेरी तरफ से तो क्लास की ऑडियो और वीडियो दोनों बिल्कुल क्लियर है। शुरू करते हैं इस क्लास को। आपको दिखाता हूँ आज की हमारी क्लास का स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है। तो 10th of May के हिसाब से आज हम कौन कौन से न्यूज़ क्वेश्चंस को करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट न्यूज़ है साइनोफार्मा की वैक्सीन को अप्रूवल मिल गया WHO की तरफ से। समझेंगे वैक्सीन कौन सी कंट्री बनाती है, इसका ग्लोबल लेवल पे अभी क्या कंडीशन है, क्या इसको दुनिया की और किसी कंट्री ने अप्रूवल दिया हुआ, ठीक है। और WHO किसी वैक्सीन को अप्रूवल दे इसका मतलब क्या होता है, मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ, आज से शायद एक हफ्ता पुरानी ये न्यूज़ होगी। आज आपको फिर से बताऊंगा कि WHO जब किसी वैक्सीन को अप्रूवल देता है उसका मतलब क्या होता है। सेकेंड न्यूज़, इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने डिसाइड किया कि नेगोशिएशन शुरू की जाएंगे एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की 8 साल के बाद। मतलब आज से 8 साल पहले नेगोशिएशंस बंद कर दी गई थी इंडिया और EU के बीच में, कि एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन नहीं हो पाया था। पहले भी कोशिश की गई, फिर से कोशिश की जाएगी। मैं आपको समझाऊंगा इसका क्या मतलब होगा, अगर इंडिया यूरोपियन यूनियन के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करता है इसको हमको फ़ायदा क्या होने लगा। थर्ड न्यूज़ बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, आपने शायद इस न्यूज़ के बारे में सुना भी होगा पर शायद आपको पूरी समय ना लगी हो। DCGI ने अप्रूवल दे दिया है एक एंटी कोविड ड्रग को, जिसको कि DRDO ने बनाया, ठीक है, और ये इमरजेंसी यूज़ के लिए होगा। अगर आपको याद है तो ऐसा ही एक न्यूज़ आई थी आज से ऑलमोस्ट 15 से 20 दिन पहले, जब जाइडस कैडिला की एक मेडिसिन है वेराफिन, उसको भी यहाँ पर ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने अप्रूवल दिया था। मैं आपको समझाता हूँ सारी न्यूज़, ठीक है। फोर्थ न्यूज़, ये आजकल बहुत बात हो रही है इसकी, चाइनीज रॉकेट सेगमेंट प्लंजेस बैक टू अर्थ क्रैशेज नियर मालदीव्स। हुआ क्या यहाँ पर, चाइना ने आज से कुछ दिन पहले, मैंने भी आपको पढ़ाया था कि चाइना ने अपना स्पेस स्टेशन के जो मॉड्यूल्स उनको लॉन्च किया, NEO-01 को लॉन्च किया। अब लॉन्च करने के लिए जो रॉकेट यूज़ करते थे, ठीक है, उस रॉकेट का कुछ हिस्सा वापस अर्थ पे गिरा और बहुत ही अनकंट्रोल्ड तरीके से। चाइना के कंट्रोल में नहीं था वो रॉकेट, वो कहीं पर भी गिर सकता था, और मालदीव्स के बहुत ही आके पास गिरा। तो मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पर क्या डर लग रहा था, USA इतना कंसर्न क्यों था, ये वाली न्यूज़ समझाता हूँ। उसके अलावा जैसे आपको पता है हर क्लास में हम लोग 12 क्वेश्चन करते हैं, तो इस क्लास में 12 क्वेश्चन करेंगे। पहले 2 क्वेश्चन स्टैटिक अफेयर्स के, अगले 6 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के, उसके अगले 2 क्वेश्चन सोशल स्टडीज़ के, फाइनली लास्ट के 2 क्वेश्चन फाइनेंस। अब ऐसा नहीं कि सारी न्यूज़ खत्म करके हम क्वेश्चंस करेंगे, जो क्वेश्चन है ना पूरी न्यूज़ के साथ साथ चलते रहेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको क्लास का जो स्ट्रक्चर है वो समझ में आ चुका है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जल्दी से बात कर लेते हैं मेरे बारे में। अभी तक शायद आप में से किसी ने लाइव चैट यूज़ भी नहीं करी। स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी डाउट है, आपको कोई भी क्वेश्चन अटेंड करना है, सबके लिए आप लाइव चैट यूज़ करो, हो सकता है आप यूज़ कर रहे हो, मुझे अभी तक दिखाई नहीं दी, ठीक है। तो जल्दी से बात कर लेते हैं मेरे बारे में। मेरा नाम है अभिनव जोशी, मैं 2 साल से भी ज़्यादा टाइम से स्टूडेंट्स को करंट अफेयर्स, स्टैटिक अफेयर्स और बैंकिंग अफेयर्स की तैयारी करवा रहा हूँ वेरियस गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए। थोड़ी हम बात कर लेते हैं अन अकेडमी प्लेटफॉर्म में। अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर बहुत सारी क्लासेस आपके लिए फ्रीली अवेलेबल होती है, बहुत मटेरियल आपके लिए फ्री अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज, आपको सिंपली एक रेफरल कोड चाहिए होता है उन सब चीज़ों को अनलॉक करने के लिए। आप ये रेफरल कोड यूज़ कर सकते हो ABHI50। अगर आप अन अकेडमी की एक सब्सक्रिप्शन को परचेज करते हो उसके कुछ फ़ायदे आप अटेंड कर सकते हैं, अनलिमिटेड लाइव क्लास किसी भी टाइम कहीं से भी। रेगुलरली यहाँ पर डाउट किंग सेशन को रखा था सारे के सारे कोर्सेज में, बहुत ही स्ट्रक्चर्ड कोर्स होता है, हमारी कंट्री के बेस्ट एजुकेटर्स आपको पढ़ाते हैं, आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है आपके एजुकेटर से थ्रू। रेगुलर यहाँ पर क्विज रखे जाते हैं ताकि आपकी लर्निंग जर्नी को ट्रैक किया सके, बहुत ही इंटरेक्टिव और इंगेजिंग लाइव क्लासेस बनाने की कोशिश की जाती है। रेगुलरली आपको PDF प्रोवाइड करती है ताकि आप अच्छे से रिवाइज कर सको, टेस्ट सीरीज रखी जाती है ताकि आप एक बड़े प्लेटफॉर्म पर कम्पीट कर सको, और आपको प्रॉपर गाइडेंस दी जाती है कि एग्जाम को अप्रोच करना है कैसे। गुड मॉर्निंग हरमनजोत, गुड मॉर्निंग मेघा, आई एम वेरी फाइन मेघा, थैंक यू। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक चलो चीज़ भी बताता हूँ कि कल मेरा शेड्यूल था, तो मुझे कल फर्स्ट डोज, मैंने जो वैक्सीन की फर्स्ट डोज मुझे कल लगी, तो मुझे चंडीगढ़ में, अगर आपको पता हो, ठीक है, चंडीगढ़ यूनियन टेरिट के, तो इसके थोड़ा सा पास आपने शायद सुना होगा कि राधा स्वामी डेरा होता है जो कि ब्यास से, जहाँ उनका हेडक्वार्टर्स है, तो यहाँ पर एक सेंटर था, वहाँ पर मुझे कल फर्स्ट डोज लगी कोविशील्ड की। तो मैं आप लोगों को भी ये अपील करूँगा कि जल्दी से जल्दी आप लोग, अगर वैक्सीन मिलती अवेलेबल होती है, क्योंकि बहुत सारी स्टेट्स में तो 18 प्लस के लिए अवेलेबल नहीं है, यहाँ पर थी अवेलेबल तो हमने लगवा ली, ठीक है, मैं और मेरे कुछ फ्रेंड्स ने। अगर आपको ये बताऊँ कि वैक्सीन के बाद अगर कोई साइड इफेक्ट, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है, हल्का सा जो आर्म में पेन होता है कोई भी इंजेक्शन के बाद, मुझे तो सिर्फ वही फील हुआ। मुझे वहाँ पर जो डॉक्टर्स थे उन्होंने सजेस्ट किया था कि अगर आपको थोड़ा सा भी बुखार या ऐसा कुछ आया तो आप एक पैरासीटामॉल ले सकते हो, ठीक है। मैंने वैसे ही
क्योंकि मुझे आज सुबह क्लास लेनी थी तो मैंने रात को एक पैरासीटामोल खा ली, मुझे कुछ भी ऐसा अलग फील नहीं हुआ, ठीक है, बस एक हल्का सा आम में पेन है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म को मिलेगा कहाँ से? आप सिंपली जाओ अनअकैडमी की वेबसाइट पर, या फिर आप सर्च कर सकते हो अनअकैडमी को गूगल प्ले स्टोर, एप्पल ऐप स्टोर पर, इंस्टॉल पर क्लिक करो, इस तरह से आप आपके सामने खुल जाएगी, अपना मोबाइल नंबर डाल के आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो। एक बार आपने अपने आप को रजिस्टर कर लिया, आपसे पूछा है कि कौन से कोर्स की तैयारी करनी है, अपना कोर्स ले करो, गेट सेक्शन में क्लिक करो और ड्यूरेशन ले करो, कितनी ड्यूरेशन के लिए आपको तैयारी करनी है। अगर आपको ऐसा लगता है आपने पहले तैयारी की हुई है और आपको बस एक फाइनल पोस्ट चाहिए तो थोड़ा कम ड्यूरेशन चूज करना। अगर आपको लगता है नहीं आपका फाइनल अटैम्प्ट है पूरा जोर लगाना तो ज़्यादा ड्यूरेशन चूज करो। ड्यूरेशन चूज करने में आपसे पूछा है कि अगर आपके पास कोई रेफरल कोड है उसको डाल दो, आप ये रेफरल कोड यूज़ कर सकते हो, ABHI50। गुड मॉर्निंग आयुष, वेलकम स्टूडेंट्स। इस रेफरल कोड को आप कोई भी कोर्स अगर परचेज करना चाहो किसी भी ड्यूरेशन के लिए तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, आपको सिंपली 10% ऑफ मिल जाएगा। उसके अलावा मैं आपको बता दूँ, आप लोग यहाँ पर वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम यूट्यूब चैनल जिसके ऊपर हम ये क्लास कंडक्ट करें, यहाँ निर्माण बैच को हमने क्रिएट किया हुआ है, इसको रेगुलरली जरूर फॉलो किया करो, सारे आने वाले बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी आपको यहाँ पर करवाई जाएगी। स्टूडेंट्स बैंकिंग एग्जाम में एक मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर चल रहा है, अगर आप अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पर एक साल का बैंकिंग एग्जाम्स का सब्सक्रिप्शन लेते हो उस पर आपको 2 महीने फ्री, अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हो उस पर आपको 4 महीने फ्री, पर यहाँ रेफरल कोड यूज़ करना बहुत ज़्यादा जरूरी है जो कि है ABHI50। स्टूडेंट्स अन अकेडमी प्लेटफॉर्म 28 अप्रैल से नए बैचेस शुरू हो चुके हैं, हमारी कंट्री का बेस्ट प्लेटफॉर्म, अगर आप बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हो, कंट्री के बेस्ट एजुकेटर्स आपको यहाँ पर पढ़ाते हैं, बहुत सारे बैचेस क्रिएट कर देंगे जैसे SBI क्लर्क का बैच, CET का बैच, उसके अलावा SBI PO का बैच, और वो सारे बैचेस जो कि आने वाले एग्जाम्स में आपको मदद करेंगे सारे बैचेस को यहाँ पर क्रिएट कर दिया गया। आपको अन अकेडमी कॉम्बैट में जरूर पता होना चाहिए, कल इस टेस्ट को रखा गया था, अगला टेस्ट अगले संडे होगा, एक स्कॉलरशिप बेस्ड टेस्ट है, बहुत तरह की आप स्कॉलरशिप जीत सकते हो, अभी हिंदी में भी अवेलेबल है। अपने आपको अन अकेडमी कॉम्बैट में एनरोल करने के लिए एक रेफरल कोड की आपको जरूरत पड़ेगी, आप ये रेफरल कोड यूज़ कर सकते हो ABHI50। ठीक है स्टूडेंट्स, वी आर ऑल सेट फॉर द क्लास एंड लेट्स क्रैक इट। अगर आपको एक क्लास की PDF चाहिए तो वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम जो कि एक टेलीग्राम चैनल है, यहाँ से आपको क्लास की PDF मिल जाएगी। ये टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको क्लास के डिस्क्रिप्शन से भी मिल जाएगा, ठीक है, वहाँ से भी आप इसको ले सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर किसी ने स्ट्रक्चर मिस कर दिया था तो सिनोफार्मा वैक्सीन फर्स्ट न्यूज़, इंडिया EU के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की डील फिर से शुरू की जाएगी बातचीत सेकंड न्यूज़, डक कंट्रोलर ऑफ इंडिया ने DRDO की एक दवाई एक मेडिसिन है वैक्सीन ये मेडिसिन है उसको अप्रूवल दे दिया। थर्ड न्यूज़, फोर्थ न्यूज़, चाइना का रॉकेट सेगमेंट वापस अर्थ पर गिर गया, ठीक है, मालदीव्स के बहुत ही पास इसने क्रैश किया, और फाइनली 12 क्वेश्चन जो हम रोज करते, ठीक है, चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा स्टैटिक अफेयर्स, कैटेगा व्हाट इज द कैपिटल ऑफ द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड की कैपिटल क्या है, अबूजा, बुडापेस्ट, डबलिन या फिर विक्टोरिया। कोशिश करो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की स्टूडेंट्स, आप कोई भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहो, कोई भी आपको ऑडियो वीडियो में दिक्कत है या फिर आपको कोई भी डाउट है, इन सब चीज़ों के लिए आप लाइव चैट को यूज़ कर सकते हैं, मैं आप लोगों की लाइव चैट को रेगुलरली चेक कर रहा हूँ। तो पहले क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर कर दिया है अदिति ने और आयुष ने, दोनों बोले ऑप्शन नंबर सी, बाकी लोग भी कोशिश करो, ठीक है, जितनी ज़्यादा पार्टिसिपेशन दिखाओगे उतना ही अच्छे से आपको क्लास समझ में लगेगी और उतने ही लंबे टाइम तक आप चीज़ों को याद रख पाओगे। बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, डब्लिन, ठीक है, तो आपको दिखा देता हूँ। हमने नॉर्दर्न आयरलैंड के बारे में तो बहुत पढ़ा है, नॉर्दर्न आयरलैंड ये वाला हिस्सा जिसको मैं भी रेड कर रहा हूँ क्योंकि नॉर्दर्न आयरलैंड पार्ट है यूनाइटेड किंगडम का, है ना। नॉर्दर्न आयरलैंड के बारे में तो हमने मल्टीपल्स टाइम देख लिया, आज हम आयरलैंड के बारे में देख लेते हैं। तो ये कंट्री है यूरोप में, इनका फ्लैग अगर आप देखो तो कुछ हद तक आपको यहाँ से एक ऐसा लगता है कि इंडियन फ्लैग से मिलता जुलता क्योंकि कलर सेम है, ठीक है। हेलो पिंकी, वेलकम, हेलो मेगा, तो दोनों ने आप ऑप्शन नंबर सी अटैम्प्ट कर दिया जो कि बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। तो प्रेजेंट हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, कैपिटल है डब्लिन, करेंसी ये लोग यूज़ करते हैं यूरो, पॉपुलेशन कुछ हाफ एन करोड़ मतलब 50 लाख के आसपास है, और ये जो आप देख रहे हो ना ग्रीन में जितना भी एरिया, तो ग्रीन वाला जो एरिया है इसमें से अगर ये वाला हिस्सा निकाल दो जो कि नॉर्दर्न आयलैंड है UK का हिस्सा, बाकी सारा यहाँ पर आयरलैंड, ठीक है। आई होप आपको आयरलैंड की सारी जो नॉलेज है यहाँ पर पता लग चुकी। सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है स्टूडेंट्स, एक आपको ना इस मैप में एक और चीज़ बताता हूँ, ये जो यूनाइटेड किंगडम है ना और जो फ्रांस है इसके बीच में ये इंग्लिश चैनल है, इसको बोलते हैं इंग्लिश चैनल, ठीक है। तो बहुत बार आपने सुना होगा इंग्लिश चैनल का नाम, कुछ लोग इसको स्विम करके पार करते हैं, इंग्लिश चैनल के बीच में बहुत ज़्यादा टू एंड फ्रो मूवमेंट चलती है, ठीक है, तो इंग्लिश चैनल यहाँ पर आता है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, क्वेश्चन है हमारा स्टैटिक अफेयर्स, कैटेगा विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश दी ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, HCI को कौन पब्लिश करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट या फिर वर्ल्ड बैंक। कोशिश करो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की, वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो पब्लिश करती है ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स को। ठीक है स्टूडेंट, तो आज का मैं अभी बिल्कुल वो आया इंडिया का पिछले 24 आवर्स के केसेस और डेथ, तो काफ़ी एक अच्छी खासी रिडक्शन है, इंडिया के केसेस 3,66,000 के पास और डेथ्स भी जो है 3,800 कुछ के आसपास है, तो काफ़ी जगह पे अगर आप देख रहे हो, अगर आप थोड़ा सा भी फॉलो करते हो इस ट्रेंड को, मतलब जो केसेस का ट्रेंड है,
तो काफ़ी जगह पे ऐसा लग रहा है कि जो सेकेंड वेव की पीक आनी थी, जैसे महाराष्ट्र में, कुछ सेंट्रल इंडिया में जो पीक आनी थी वो शायद आ गई है। ठीक है, हम ज़रूरी मतलब पक्का से नहीं कह सकते, पर हो सकता है। और मैं कल देख रहा था जो एम्स के डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, उनका इंटरव्यू, तो वो कह रहे थे कि नॉर्थ इंडिया जो है, ठीक है, मतलब दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, इन सब में पीक 15 मई तक आ सकती है। तो 15 मई तक केसेस मैक्सिमम होके फिर नीचे जाएंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छी चीज़ है अगर ऐसा हो जाए। अब मैं खुद इसको एक्सपीरियंस करके आया हूँ वैक्सीनेशन सेंटर को। ठीक है, तो देखो, हम जितना मर्जी क्रिटिसाइज़ कर लें घर में बैठ के गवर्नमेंट को या फिर किसी भी चीज़ को, पर जब आप जाके देखते हो ना कि ऑन ग्राउंड कितना एक मुश्किल टास्क है। सोचो, मैं जहाँ गया था वहाँ पर 15,000 लोग थे सिर्फ, मतलब 15, इंडिया के पॉपुलेशन के हिसाब से 15,000 कुछ भी नहीं है। और उनको मैनेज करना इतनी बड़े स्केल पे और उनको वैक्सीनेट करना इतना बड़ा टास्क है। इसी चीज़ को आप कई बहुत बड़ा गुना कर दो, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो वो इंडिया बन जाएगा। ठीक है, तो हम जितना मर्जी क्रिटिसाइज कर ले गवर्नमेंट को, पर ये जो टास्क है ना, ये शायद दुनिया की कोई भी गवर्नमेंट मैनेज ना कर पाती। गवर्नमेंट छोड़ो, दुनिया की कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं मैनेज कर पाती इतनी बड़ी कंट्री को वैक्सीनेट करना, वो भी दो बार इंजेक्शन लगाना हर एक पर्सन को। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि शायद मीडिया हाउसेज भी इतना नहीं दिखा रहे। पर अगर जब भी आप जाओगे ना एक वैक्सीनेशन सेंटर पर, आप खुद जाके एक्सपीरियंस करोगे कि चाहे बहुत प्रॉब्लम है, सब कुछ हो रहा है, ऑक्सीजन प्रॉब्लम सब, पर जितना अच्छे से काम हो रहा है वो शायद हम देख नहीं पाते, और बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंटली वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। तो ये भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा हमारी कंट्री को वेव टू को जल्दी ख़त्म करने में, या फिर वेव टू और वेव थ्री में इंडिया को जल्दी बाहर निकालने में। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन का अटेम्प्ट किया है। हरमन बोल रहे ऑप्शन नंबर ए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, आदित्य बोल रहे ए, पिंकी बोल रहे हैं, मेघा बोल रहे हैं ए, पर इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मतलब वर्ल्ड बैंक। तो द फर्स्ट एडिशन ऑफ द ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, ठीक है, द फर्स्ट एडिशन ऑफ द ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स पब्लिश बाय द वर्ल्ड बैंक वाज इन अक्टूबर 2018। ठीक है, तो जो ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है मैंने वर्ल्ड बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट से ली है, तो वो यहाँ पर पब्लिश करते हैं ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स अगर आपको नहीं पता, मैं थोड़ा सा बताता हूँ होता क्या है ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। तो देखो, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स मतलब हमारे पास कुछ पॉपुलेशन है, यूएसए के पास कुछ पॉपुलेशन है, दुनिया के हर एक कंट्री के पास पॉपुलेशन है, पर आप उसका बेस्ट यूज़ कैसे निकालते हो, जिस बंदे को जहाँ लगाना चाहिए आप कितना अच्छे से उस चीज़ को समझ पाते हो, वो आपकी कंट्री का ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, चलते हैं अपनी फर्स्ट यूज़ पे, इसको समझ लेते हैं। साइनोफार्मा वैक्सीन जो कि चाइनीज़ वैक्सीन है, इसको अप्रूवल मिल चुका है WHO की तरफ से। समझ लेते हैं कि इस टाइम पे जो साइनोफार्मा की वैक्सीन है, इसको दुनिया में कितना यूज़ किया जा रहा है और कितना क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, सब समझ लेते हैं। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली अप्रूव कर दिया है इमरजेंसी यूज़ ऑफ, सबको इमरजेंसी यूज़ मिल रहा है, नॉर्मल यूज़ तो किसी को मिल नहीं रहा अप्रूवल, इमरजेंसी यूज़ अप्रूवल ऑफ साइनोफार्मा वैक्सीन। ठीक है, इससे पहले WHO ने यहाँ पर एस्ट्राजेनेका, फाइजर, बायो एनटेक, जॉनसन जॉनसन, मॉडर्ना, इन सबको अप्रूवल दे चुका है। ठीक है, उन्होंने साइनोफार्मा को अप्रूवल दे दिया। अब यहाँ पर एक अलग चीज़ क्या है कि साइनोफार्मा की जो वैक्सीन है वो पहली चाइनीज़ वैक्सीन है, या फिर कह लो कि पहली मतलब यूरोप नॉर्थ एरिया से बाहर जाके जो वैक्सीन है जिसको कि यहाँ पर साइन जिसको कि WHO ने अप्रूवल दिया। ठीक है, अब क्योंकि इन्होंने साइनोफार्मा को अप्रूवल दे दिया, तो बहुत ही जल्दी हो सकता है जो कोवैक्स प्रोग्राम चला है WHO का, जिसके अंदर WHO दुनिया भर की जो इकोनॉमिकली वीकर कंट्रीज है उनको वैक्सीन पहुंचा रहा है, तो कोवैक्स के अंदर बहुत जल्दी साइनोफार्मा की वैक्सीन भी मिलनी शुरू हो जाएगी। अभी मतलब होता तो ऐसी है, जिसको भी अप्रूवल देते हैं बाद में वो कोवैक्स में भी ज्वाइन करवा देते हैं। ठीक है, जो साइनोफार्मा की वैक्सीन है, इसके थर्ड फेज के ट्रायल के बेसिस पे पता लगा था कि इसकी एफिशिएंसी 79% के आसपास। ठीक है, और साइनोफार्मा ना जो ये इनएक्टिव वैक्सीन है, जैसे आपको पता है कोवैक्सीन, जो कोवैक्सीन है वो भी एक इनएक्टिव वैक्सीन होता क्या है, इसमें वायरस ही होता है किसी तरह से, पर उसको बहुत ज़्यादा वीक कर देते हैं। ठीक है, तो जो वायरस है कोविड-19 है उसको बहुत ज़्यादा वीक कर देते हैं ताकि जब वो आपकी बॉडी में जाए, ठीक है, आपकी बॉडी उससे जल्दी से लड़ सके, आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम को ख़त्म कर सके, पर आपकी बॉडी को ये समझ लग जाए कि अच्छा ऐसा एक वायरस बाहर एग्जिस्ट करता है, ताकि अगर आप रियल कोरोना वायरस आपकी बॉडी में आके आपको अटैक करे तो तब आपकी बॉडी को उससे लड़ना आता हो। ठीक है, तो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन होती है ये। यहाँ पर करते क्या है कि जो वैक्सीन है उसको हीट और रेडिएशन और केमिकल्स के थ्रू डेड कर देते हैं या फिर बहुत ज़्यादा वीक कर देते हैं, और उसके बाद इस इनएक्टिवेटेड वैक्सीन को आपकी बॉडी के अंदर डाला जाता है। ठीक है, और देख लेते हैं और यहाँ क्या इन्फॉर्मेशन है। तो इन्होंने यहाँ पर ये बताया कि जो चाइनीज़ वैक्सीन है, ठीक है, WHO ने जिसको अभी अप्रूवल दिया है, इसको दुनिया की काफ़ी सारी कंट्रीज यूज़ कर रही हैं। इसके अलावा एक और, ये तो वैक्सीन का नाम क्या होगा, इस वैक्सीन का नाम है साइनोफार्मा, एक और चाइनीज़ वैक्सीन है जो आजकल बहुत न्यूज़ में चल रही है, इसका नाम है साइनोवैक। साइनोवैक को तो अब तक WHO का अप्रूवल मिला भी नहीं है, पर साइनोवैक को दुनिया के बहुत सारी कंट्रीज यूज़ करी है, इंक्लूडिंग अवर नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान और इजिप्ट। ठीक है, तो जो साइनोवैक है ना, इसको लेके दुनिया की बहुत सारी कंट्रीज ने कंसर्न भी रेज किया, जैसे ब्राज़ील ने, कुछ यूरोपियन कंट्रीज ने, कि इतनी सेफ नहीं है, पर पाकिस्तान, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान के पास और कोई ऑप्शन नहीं है, तो पाकिस्तान और इजिप्ट काफ़ी बड़े स्केल पर साइनोवैक वैक्सीन को यूज़ करेंगे। ठीक है, ठीक है सुन, चलते हैं अपनी सेकंड न्यूज़ पे, इसको डिस्कस कर लेते हैं। इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने डिसाइड किया कि नेगोशिएशन फिर से शुरू की जाएगी, नेगोशिएशन मतलब बातचीत शुरू की जाएगी
और एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दोनों, मतलब इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में एक साइन हो सकता है। देखो ऐसे नहीं कि पहली बार एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में बात की जा रही है, आज से 8 साल पहले 2013 में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के, मतलब वैसे तो 2008 में ही शुरू कर दिया था दोनों इंडिया और यूरोपियन यूनियन की, एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करते हैं। 2008 से लेकर 2013 के बीच में डिस्कशन चली और 2013 में उसको क्लोज कर दिया कि नहीं शायद एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दोनों के बीच में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम कुछ और चाह रहे थे वो कुछ और चाह रहे थे। पर आपको बताऊंगा, रिसेंटली हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर ने एक मीटिंग करी पूरे यूरोपियन यूनियन के काउंसिल के साथ, सारे इंपॉर्टेंट लीडर्स के साथ, और उस मीटिंग में से एक ये रिजल्ट निकला कि फिर से यहाँ पर बातचीत शुरू की जाएगी एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की। अगर इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता है तो जो सामान इंडिया से यूरोपियन यूनियन भेज जाएगा और जो सामान यूरोपियन यूनियन से इंडिया आएगा, इसमें टैरिफ, मतलब ट्रेड में ना टैक्सेस को टैरिफ बोलते हैं, टैरिफ बहुत ही लिमिटेड लगाए जाएंगे। मतलब दोनों यूरोपियन यूनियन और इंडिया के बीच में ट्रेड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और ये बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि यूरोपियन यूनियन में दुनिया की बड़ी बड़ी कंट्रीज, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, ये सब कंट्रीज आती हैं। तो इंडिया को एक साथ बहुत सारी कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने का मौका मिलेगा, दोनों इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच का जो ट्रेड है बहुत स्ट्रांग बढ़ सकता है। समझ लेते हैं इस न्यूज़ को। तो इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में सैटरडे को यहाँ पर एक मीटिंग चली थी, उसमें डिसाइड किया गया फिर से नेगोशिएशन, मतलब बातचीत शुरू की जाएगी। अभी कोई पक्का नहीं है कि FTA साइन हो जाए, पर बातचीत शुरू की जाएगी कि एक बैलेंस एंड कॉम्प्रीहेंसिव ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया जाए, इसी को बोलते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, आफ्टर ए गैप ऑफ 8 ईयर्स। ठीक है, ये 8 ईयर्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 2013 में जो उस टाइम पे डिस्कशन चल रही थी उनको बंद कर दिया गया कि नहीं हमको नहीं लग रहा कि एक FTA साइन हो पाएगा। ठीक है, तो हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक वर्चुअल मीटिंग कर रहे थे यूरोपियन यूनियन के 27 मेंबर नेशंस और उनके लीडर्स के साथ। ठीक है, इसी मीटिंग के टाइम पे ये चीज़ बोली। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यूरोपियन यूनियन सब दुनिया के ऐसे नहीं कि हर एक कंट्री से इस तरह से मीटिंग करता है, बहुत ही लिमिटेड कंट्रीज है जिसके साथ यूरोपियन यूनियन के सारे मेंबर्स आके बातचीत करते हैं और इंडिया उनमें से एक कंट्री बन चुका है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर यूरोपियन यूनियन को यह भी बोला कि आप सपोर्ट करो एक प्रपोजल जो इंडिया और साउथ अफ्रीका ने उठाया कि पेटेंट्स ना दिए जाएं COVID-19 की वैक्सीन को लेकर। अभी आप लोगों को मैं पढ़ा चुका हूँ, इसमें USA ने भी सपोर्ट किया इंडिया को कि अभी के लिए जो COVID-19 की वैक्सीन बनाई जा रही है ना उसमें पेटेंट नहीं देते, अगर पेटेंट दे देंगे तो सिर्फ वही कंपनी मैन्युफैक्चर कर पाएगी वैक्सीन को और प्रोडक्शन काफ़ी कम होगी। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पर पूरे यूरोपियन यूनियन को बोला कि आप भी हमको सपोर्ट करो, पर इस चीज़ में वो ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, मुझे लग नहीं रहा कि वो यहाँ पर ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर बात की गई कि इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन और ज्योग्राफिकल इंडिकेटर जिसको GI टैक्स बोलते हैं, इसके ऊपर भी यूरोपियन यूनियन और इंडिया मिलकर काम करेंगे। फिर यहाँ पर और क्या बताया गया कि दोनों अब नेगोशिएशंस करेंगे ताकि एक FTA साइन हो जाए, पिछली बार ये नेगोशिएशंस पूरी हो ही नहीं पाई। ठीक है, आई एम वेरी सॉरी स्टूडेंट्स, कोई इंटरनेट की प्रॉब्लम आ गई थी तो मुझे मोबाइल डेटा पे शिफ्ट करना पड़ा। आई होप आप लोगों को अब, और मुझे थोड़ा बार बार उधर देखना पड़ेगा क्योंकि फ़ोन उधर रखा है मैंने, तो आई होप आप लोगों को अब ऑडियो वीडियो में प्रॉब्लम नहीं आ रही। प्लीज़ अगर आप में से कोई बार बता दें। ठीक है, आप लोग प्लीज़ जो लाइव कमेंट है उसमें बता देना कि ऑडियो वीडियो में अभी तो नहीं कोई दिक्कत आ रही, तो हम शुरू करें फिर। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा था कि इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने डिसाइड किया कि यहाँ पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, सॉरी फ्री ट्रेड का जो एग्रीमेंट है उसके लिए फिर से बातचीत की जाएगी। अगर इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होता है तो जो ट्रेड है दोनों कंट्रीज, दोनों मतलब उस यूनियन और इंडिया के बीच में बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। ठीक है, तो अभी तो नेगोशिएशन स्टार्ट होगी। ठीक है, इंडिया अपने तरफ से रखेगा कि हमको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वो अपने तरफ से बताएंगे अगर ये चीज़ पॉसिबल हो पाई। स्टूडेंट्स प्लीज़ अगर आप में से कोई बता सके कि ऑडियो वीडियो अब ठीक आ रही है कि अभी भी कोई प्रॉब्लम है, तो यूरोपियन यूनियन अपनी कंडीशन रखेगा, इंडिया अपनी कंडीशन रखेगा, अगर ये चीज़ पॉसिबल हो पाए तो दोनों कंट्रीज़ का जो मतलब यूरोप इंडिया और यूरोपियन यूनियन का जो ट्रेड है बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। ठीक है, चलते अपने थर्ड क्वेश्चन पे, करंट अफेयर्स कैटे क्वेश्चन है, व्हेन इज़ द वर्ल्ड थैलेसीमिया डे ऑब्जर्व। तो वर्ल्ड थैलेसीमिया डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, 7th ऑफ मई, 8th ऑफ मई, 6th ऑफ मई या फिर 5th ऑफ मई। ठीक है, तो हरमन बोल रहे हैं कि ऑल क्लियर, पिंकी बोल रहे हैं ऑल क्लियर। ठीक है स्टूडेंट्स, कोशिश करो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की, वर्ल्ड थैलेसीमिया डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, 7th ऑफ मई, 8th ऑफ मई, 6th ऑफ मई या फिर 5th ऑफ मई। तो थोड़ा एक दो दिन पुराना हो गया, पर चलो इंपॉर्टेंट चीज़ थी तो मैं सोचा आपके साथ जरूर आपको बताऊँ।
तो व्हेन इज द वर्ल्ड हेल्थ डे ऑब्जर्व, 7th, 8th, 6th या फिर 5th? कोशिश करो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की। ठीक है सुन, तो मुझे ना थोड़ा बार बार उधर देखना पड़ेगा क्योंकि वाईफाई पे क्लास नहीं हो रही, तो मैं फ़ोन मोबाइल डाटा पे चला रहा हूँ तो उसका नेटवर्क उधर ही अच्छा आता है। ठीक है, आदिति बोले इसका सही आंसर चाहिए 8th of May। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 8th of May। थोड़ा सा आपको बताता हूँ इस डिजीज़ के बारे में। तो थैलेसीमिया ये एक ब्लड डिसऑर्डर है जिसमें कि जो नॉर्मल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन्स होते हैं उसकी कमी होती है। मतलब कि अगर किसी को थैलेसीमिया हो रहा है, ठीक है, और अगर उसको कोविड हो गया तो उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली। ठीक है, इसके केसेस तो कम ही आते हैं, बहुत ही कम है, जैसे फ्यूर देन 1 मिलियन केसेस पर ईयर। ठीक है, तो केसेस इतने ज़्यादा नहीं है, पर फिर भी ये काफ़ी एक डेंजरस डिजीज़ है। ठीक है, क्योंकि इसमें आपकी बॉडी में जो ऑक्सीजन लेवल वो कम हो रहा है। चलते अपने फोर्थ क्वेश्चन पे, इसको डिस्कस कर लेते हैं। करंट अफेयर्स कैटेगरी क्वेश्चन आपसे पूछा रहा है, दी टाइम ऑफ रिमेम्बरेंस एंड रिकन्सिलिएशन फॉर दोज हु लॉस देयर लाइफ ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इज अ यूएन रिकॉग्नाइज्ड डे ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन। द टाइम ऑफ रिमेम्बरेंस एंड रिकॉग्निशन फॉर दोज हु लॉस देयर लाइफ, ठीक है, ये ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड, ये एक यूएन रिकॉग्नाइज्ड डे होता है। इसको कब ऑब्जर्व करते हैं, 8th और 9th मई को, 2nd और 3rd मई को, 4th और 5th मई को, या फिर 7th और 8th मई को? कोशिश करो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की। टाइम ऑफ रिमेम्बरेंस एंड रिकन्सिलिएशन फॉर दोज हु लॉस देयर लाइफ ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब होता है, 8, 9 मई, 2, 3 मई, 4, 5 मई या फिर 7, 8 मई? ठीक है, तो अभी तक तो आप में से किसी ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया, तो मैं आपको इसका सही आंसर बताता हूँ। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 8th और 9th में। ठीक है, तो टाइम ऑफ रिकन्सिलिएशन एंड रिकॉग्निशन फॉर दोज हु लॉस देयर लाइफ, ठीक है, यह हर साल ऑब्जर्व किया जाता है, हर साल नहीं मतलब इस साल ऑब्जर्व किया गया 8 और 9 मई को। ठीक है, चलते हैं अपनी थर्ड न्यूज़ पे, इसको डिस्कस कर लेते हैं। DCGI, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने अपना अप्रूवल दे दिया है एंटी कोविड ड्रग, जिसको कि DRDO ने डेवलप किया है फॉर एमरजेंसी। देखो, ये कोई वैक्सीन ही है, ये ड्रग या फिर ये दवाई उनको दी जाएगी जिनको कोविड हो चुका है, पर वो बहुत एक्सट्रीम केसेस भी नहीं होने चाहिए। जो मॉडरेट केसेस हैं या फिर जो हल्के केसेस हैं उनमें ये ड्रग दिया जाएगा ताकि जल्दी से जल्दी वो लोग ठीक हो सके। ठीक है, जो यहाँ पर लोग पॉजिटिव आए हैं उनको ये ड्रग दिया जाएगा, वैक्सीन उन लोगों को दी जाती है जो भी पॉजिटिव नहीं आए होते। ठीक है, अगर कोई बंदा पॉजिटिव हो चुका है आप उसको तब वैक्सीन दोगे तो कोई फायदा नहीं होगा उसको वैक्सीन देने का। ठीक है, तो हो सके जो जब वो ठीक हो जाए और उसके काफ़ी टाइम के बाद अगर आप उसको वैक्सीन दो तो भी उसकी बात बनेगी, पर जब वो पॉजिटिव आ गया अगर उसके बाद आप उसको वैक्सीन दोगे कुछ दिनों में तो कोई फायदा नहीं। उसके बाद आपको उसको रेमडेसिविर और ये सब डिजीज, ये सब जो ड्रग्स होते हैं, ये मेडिसिन होती है, ये देनी पड़ेगी। और ऐसा ही एक ड्रग क्रिएट कर दिया DRDO ने, समझ लेते हैं इस न्यूज़ को। तो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि हाईएस्ट बॉडी है हमारी कंट्री में, जो किसी भी वैक्सीन को, किसी भी ड्रग को, किसी भी दवाई को अप्रूवल देती है, उन्होंने रिसेंटली अप्रूवल दे दिया है इमरजेंसी यूज़ ऑफ, इमरजेंसी यूज़, क्योंकि अच्छे से तो टेस्टिंग कर नहीं पाए, अच्छे से ना किसी वैक्सीन की टेस्टिंग हो पा रही है ना किसी ड्रग की टेस्टिंग हो पा रही है, इसलिए इमरजेंसी यूज़ का अप्रूवल दिया है। एंटी कोविड ड्रग जिसका नाम है 2-डिऑक्सी-डी-ग्लूकोज, इसको 2DG बोला जा रहा है, 2DG, इसको डेवलप किया है DRDO ने। DRDO के अंदर कौन सी लैब ने डेवलप किया मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो ये जो ड्रग है इसको DRDO ने डेवलप किया, और इसमें होगा क्या कि जो मॉडरेट से सीवियर COVID-19 केसेज है ना उनको ये हेल्प करेगा जल्दी रिकवर करने। ठीक है, तो DRDO के अंदर एक लैब काम करती है, इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेज इन मैस। ये जो लैब है ना असल में इसने क्रिएट किया है 2DDG ड्रग को, जिसको रिसेंट यहाँ पर अप्रूवल मिल गया है। उसके अलावा इन लोगों की हेल्प करी थी डॉक्टर रेड्डीज, जो कि एक बहुत बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी इंडिया की और हैदराबाद में बेस्ड है। अगर आपको याद हो जो Sputnik V वैक्सीन है ना उसका भी जो थर्ड फेज का ट्रायल था उसमें डॉक्टर रेड्डी ने हेल्प करी थी रशिया के गमलिया इंस्टीट्यूट की। और देख लेते हैं और यहाँ पर क्या बताया गया कि ये जो 2DG ड्रग है ना इसकी ऊपर काम पिछले साल अप्रैल में ही शुरू हो गया था। पिछले साल मार्च में आपको पता है हमारी कंट्री में केसेज आने शुरू हो गए थे, तो पिछले साल अप्रैल में ही यहाँ पर काम शुरू हो गया था। इन्होंने रिसर्च करनी शुरू कर दी थी, सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी हैदराबाद, काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट साथ में आए थे, इन लोगों ने रिसर्च करनी शुरू कर दी थी एक ऐसे ड्रग की। ये ड्रग उन पेशेंट्स को मदद करता है जिनको SARS-CoV-2 वायरस ने अटैक कर दिया। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर वेरियस ट्रायल्स हुए, जैसे बताया गया है कि मई 2020 में फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल हुआ, नवंबर 2020 में DCGI ने इनको फेज 3 की परमिशन दी। मतलब पहले फेज़ में 50 पेशेंट, दूसरे फेज़ में 100-150 पेशेंट, तीसरे फेज़ में कुछ 1000 पेशेंट के आसपास पे इन्होंने ट्रायल किया, और ये वो पेशेंट्स थे जो कि पॉजिटिव आ रहे थे और देखा गया कि उनकी बॉडी में अच्छी इंप्रूवमेंट देखी जा रही है। तो फेज 3 के डाटा के बेसिस पे फाइनली यहाँ पर जो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, उन्होंने यहाँ पर अप्रूवल दे दिया। ठीक है, तो और यहाँ पे क्या बताया कि जो क्लिनिकल ट्रायल्स थे इस ड्रग के, उन्होंने ये दिखाया
कि जो मॉलिक्यूल है 2DG मॉलिक्यूल है यहाँ पर ज़्यादा जल्दी रिकवरी करने में मदद कर रहा है उन पेशेंट्स के जो हॉस्पिटल में या फिर जो यहाँ पर लाइफ सपोर्ट सिस्टम है उन सबको यहाँ पर जल्दी मदद कर रहा है, वो जल्दी से जल्दी RT-PCR में नेगेटिव आ रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे डाटा के बेसिस पे जो ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया उन्होंने अप्रूवल दे दिया कि हाँ हम इस जो ड्रग है उसको अप्रूवल दे देते हैं। ठीक है, चलते अपनी फोर्थ न्यूज़ पे, इसको समझ लेते हैं। बहुत बात की जा रही है इंटरनेशनल न्यूज़ की। चाइनीज़ रॉकेट सेगमेंट प्लंजेस बैक टू अर्थ क्रैशेज नियर मालदीव्स। ये न्यूज़ क्या है, देखो आपको समझाता हुआ क्या, ये प्लैनेट अर्थ है। प्लैनेट अर्थ से जब भी कोई सैटेलाइट आपको स्पेस में पहुंचानी है तो मेन क्या चीज़ है, प्लैनेट अर्थ हर चीज़ को अपनी तरफ खींच रही है। तो जब एक रॉकेट लॉन्च ही आता है, वो रॉकेट क्या करता है, जहां तक प्लैनेट अर्थ की कह लो पुलिंग फोर्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है, पुलिंग फोर्स से बाहर निकाल के वो सैटेलाइट को छोड़ देता है स्पेस में। उसके बाद इस रॉकेट का कुछ काम नहीं है, ये रॉकेट कुछ दिनों के बाद वापस आ जाता है और अर्थ पे आके क्रैश कर जाता है। ठीक है, इसको ज़्यादातर प्लान तरीके से क्रैश कराया जाता है ओशन एरियाज में। हुआ क्या, आपको याद होगा आज से हमने हफ्ता 10 दिन पहले न्यूज़ पढ़ी थी कि चाइना अपना खुद का स्पेस स्टेशन बना रहा है 2022 तक, के चाहते हैं इनका स्पेस स्टेशन काम करना शुरू कर दे, और उसके लिए इन्होंने कुछ मॉड्यूल्स को भेजा था। अब वो मॉड्यूल्स को जो लॉन्ग मार्च इनका रॉकेट लेके जा रहा था, जब वो रॉकेट ने मॉड्यूल्स को स्पेस में छोड़ दिया तो वो जब वापस आ रहा था ना, तो चाइना के कंट्रोल से बाहर हो गया। अनकंट्रोल्ड तरीके से वो जो रॉकेट था वो अर्थ की तरफ गिर रहा था। पहले बोला गया कि हो सकता है वो US के आसपास गिर जाए, फिर बोला गया हो सकता है वो यूरोप के आसपास गिर जाए, बहुत सारी कंट्रीज़ का नाम था, इंडिया से बचा हुआ था, बहुत सारी कंट्रीज़ के आसपास वो गिर सकता था, कोरिया के आसपास। और फाइनली वो जो रॉकेट गिरा कहाँ, देखो सोचा जा रहा था कि कहाँ, मतलब अगर आप समझ पाओ तो ये इंडिया पूरा मैप है, सोचा जा रहा था इक्वेटर के आसपास गिरेगा, वो फाइनली गिरा कहाँ, इंडिया के नीचे मालदीव्स है, बिल्कुल मालदीव्स के पास में। किसी की इंजरी तो अब तक रिपोर्ट नहीं की गई, पर अगर आप देखो ये मालदीव्स है, ठीक है, अगर आप ध्यान से देख सको, और इसके बिल्कुल बगल में ये जो रॉकेट है इसने आके फाइनली क्रैश किया। ठीक है, समझ लेते हैं इस न्यूज़ को। और बहुत बड़ा सेगमेंट था, लास्ट सेगमेंट ऑफ चाइनीज रॉकेट री एंटर्ड इन द अर्थ एटमोसफियर एंड डिसइंटीग्रेटेड। डिसइंटीग्रेटेड क्यों, आपको पता है जब भी कोई चीज़ अर्थ के एटमोसफियर में एंटर करती है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोर्स लगती है, मैक्सिमम चीज़ तो जल जाती है, पर क्योंकि ये रॉकेट्स को डिज़ाइन किया जाता है कि ये वापस आके ओशन में गिरे, तो ये वापस एंटर कर गया। ठीक है, तो संडे की बात है जब ये इंडियन ओशन में गिरा तो मालदीव इंडियन ओशन में आता है। अब यहाँ पर चाइना की जो स्पेस एजेंसी जिसका नाम है चाइनीज नेशनल स्पेस एजेंसी, वो बोल रहे हैं कि इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी, पर दुनिया भर के ऑर्गेनाइजेशन बोल रहे हैं कि आपने यहाँ पर रिस्क पर डाल दिया था, किसी भी कंट्री में गिर सकता था, और अगर वो कंट्री में जहाँ ही गिरता वहाँ ह्यूमंस होते तो किसी की डेथ भी हो सकती। ठीक है, तो बीजिंग यहाँ पर ये कह रहा था कि जो इनका लॉन्ग मैच 5B रॉकेट है, ठीक है, वो ऐसी किसी भी जगह पर नहीं गिरता जहाँ पर लोगों की कुछ कैजुअलिटी होती है, पर अगर आप ध्यान से देखो अगर ये थोड़ा सा भी यहाँ से इधर हो जाता या फिर ऊपर चला जाता नीचे आता या फिर श्रीलंका या इंडिया तक आता तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों की कैजुअलिटीज़ हो सकती है। ठीक है, तो नासा ने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया, US की ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया, उन्होंने क्या बोला है, ये बहुत ही इरिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है यहाँ पर चाइना की तरफ से। मैं आपको दिखाता हूँ न्यूज़ आर्टिकल, नासा डिनाउंसेस चाइना ओवर इरिस्पॉन्सिबल स्टैंडर्ड आफ्टर इट्स रॉकेट डिसइंटीग्रेटेड ओवर इंडियन ओशन। ठीक है, तो US ने यहाँ पर और दुनिया भर की कंट्रीज़ ने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया चाइना को। थोड़ा सा चाइना के बारे में हमको पता होना चाहिए, चाइना की स्पेस ऑर्गेनाइजेशन जैसे हमारे इसरो है, USA में नासा इनकी है, CNSS, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, CNSS को बनाया गया था 1993 में, और उसके अलावा हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे बीजिंग में। ठीक है, ये जो इनका रॉकेट है ना, ये जो लॉन्ग मैच 5B रॉकेट है, इसको बहुत ज़्यादा पहले भी क्रिटिसिज्म मिल चुका है क्योंकि एक 2-way रॉकेट है, ठीक है, या फिर 2-step रॉकेट है, इसके दो ही हिस्से होते हैं, दुनिया के बाकी रॉकेट्स 3 हिस्से या 4 हिस्सों में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो छोटे छोटे बन जाते हैं, और जब वो वापस लैंड कर रहे होते हैं तो एटमॉस्फेयर में ज़्यादातर बर्न आउट होकर ओशन में गिर जाते हैं। क्योंकि इसका एक 2-step रॉकेट है तो बहुत बड़ा एक हिस्सा जिसका वजन 18 टन के आसपास होता है, ठीक है, 18 टन के आसपास का जो हिस्सा है वो अर्थ की तरफ आता है, वो बहुत ज़्यादा डेंजरस बन जाता है। आई होप आपको ये वाली जो न्यूज़ है पर्टिकुलर न्यूज़ समझ में आ चुकी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलते अपने फिफ्थ क्वेश्चन पे, इसको डिस्कस कर लेते हैं। करंट अफेयर्स कैटेगरी क्वेश्चन है, द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जर्व इट्स रेजिंग डे एवरी ईयर ऑन 7th of May। इन 2021 द BRO इज सेलिब्रेटिंग विच एडिशन ऑफ इट्स रेजिंग डे। सिंपल क्वेश्चन है, BRO हर साल अपना रेजिंग डे वो दिन होता है जिस दिन इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था, तो हर साल BRO अपना रेजिंग डे ऑब्जर्व करता है 7 मई को। ठीक है, आपसे सिंपली पूछा रहा है 2021 में BRO ने अपना कौन सा एडिशन सेलिब्रेट किया अपने रेजिंग डे का, 61st edition, 55th edition, 72nd edition या फिर 36th edition। अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया है कि BRO को कब बनाया गया था तो आप बहुत आराम से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। तो अभी तक आयुष अटेम्प्ट करें ऑप्शन नंबर ए, अदिति अटेम्प्ट करें ऑप्शन नंबर ए, और इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 61st। ठीक है, तो BRO बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन इसको पहले सबसे पहले देख लेते हैं, फाउंड किया गया था 7th of May 1960, तो अगर आप कैलकुलेट करोगे 60 61 ईयर्स आपको मिल जाएंगे।
इस टाइम पे इसके डीजीए लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी, हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली। काफी दिनों से हम बात कर रहे हैं बीआरओ के बारे में, फाउंडर जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, और ये इंडिया के अलावा भूटान, नेपाल, म्यांमार, अफगानिस्तान जैसी कंट्रीज में भी काम करता है। छठा क्वेश्चन, क्वेश्चन है हमारा करंट अफेयर्स कैटेगरी, ये एक दो दिन पुराना हो गया तो मुझे इंपॉर्टेंट था तो मुझे लगा चलो कोई बात नहीं पुराना है, फिर भी आपको आपसे पूछ लेता हूँ। क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिप, दुनिया के पहले एआई शिप का नाम क्या है? क्या इसका नाम है सनफ्लावर 40, अर्थ 2030, मे फ्लावर 400 या फिर सी फेरर 66? कोशिश करो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की। अब इसमें स्पेशल चीज़ क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो सॉरी स्टूडेंट्स, मुझे बार बार वहाँ देखना पड़ेगा, मेरा मोबाइल वहाँ पे पड़ा और इस टाइम पे मोबाइल डाटा से मैं क्लास को चला रहा हूँ। तो अदिति बोले इसका सही आंसर चाहिए ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि मे फ्लावर 400, और अगर कोई अटेम्प्ट करना चाहे तो जल्दी से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैं आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर बताता हूँ, इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, मे फ्लावर 400, ठीक है। तो अगर आप देखो मे फ्लावर 400 वर्ल्ड्स फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिप, ठीक है, तो इसमें ना एक कंपनी है IBM, IBM का इसमें काफ़ी बड़ा रोल है। मैं आपको बताता हूँ असल में है क्या, जैसे टेस्ला की गाड़ी विदाउट मैनुअल सपोर्ट चल सकती है, मतलब टेस्ला की गाड़ी अगर चाहे तो बिना एक ह्यूमन के भी चल सकती है, अगर उसमें ह्यूमन भी ना भी बैठा हो फिर भी चल सकती है, इसी तरह से शिप है ये। शिप भी यहाँ पर अगर आप देखो, आपको यहाँ पर कोई ऐसे कैबिन नहीं दिख रहा होगा जिसमें ह्यूमंस बैठ सके, तो ये शिप भी बिना ह्यूमन कैबिन्स के काम कर सकता है, सिंपली इसी को बोल दिया गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये खुद देख सकता है कि कहाँ को जाना है, कैसा वेदर है, उसके बेसिस पे इसको कहाँ पर रास्ता लेना चाहिए, सब कुछ ये खुद कर सकता है, ठीक है। आई होप आपको ये न्यूज समझ में आ चुकी है। सातवां क्वेश्चन, क्वेश्चन है हमारा करंट अफेयर्स कैटेगरी, आपसे पूछा रहा है रिसर्चर्स हैव डिस्कवर्ड 100 मिलियन ईयर, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, ठीक है, 1 मिलियन 10 लाख होता है, रिसर्चर्स को यहाँ पर 100 मिलियन ईयर ओल्ड बोन्स मिली है, किसकी? सॉरोपॉड्स की, ठीक है। इंडिया के किस स्टेट में? सॉरोपॉड एक डायनासोर होता है जिसकी जो मुझे इमेज मिल पाई मैंने लगा दी। रिसर्चर्स हैव डिस्कवर्ड 100 मिलियन ईयर ओल्ड बोन्स ऑफ सॉरोपॉड्स इन विच इंडियन स्टेट? मिजोरम, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा या फिर मेघालय? इनमें से किस स्टेट में यहाँ पर फॉसिल्स मिले हैं, 100 मिलियन पुराने फॉसिल्स हैं एक डायनासोर के जिसका नाम होता था सॉरोपॉड्स? कोशिश करो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की। आयुष बोले ऑप्शन नंबर डी, आदित्य बोले ऑप्शन नंबर डी, और ऑप्शन नंबर डी मेघालय इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर। आपको न्यूज आर्टिकल दिखाता हूँ, आर्कोलॉजिस्ट एक्सवेट 100 मिलियन ओल्ड डायनासोर फॉसिल्स इन मेघालय, प्रोवाइड फर्स्ट एविडेंस ऑफ सॉरोपॉड इन नॉर्थ ईस्ट। तो इसके साथ हमको एक चीज़ पर लगी कि ये वाला जो डायनासोर था ये इंडिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन में भी किसी टाइम पर रहा होगा, ये भी कुछ हद तक फॉसिल्स से रिलेटेड है। द ओल्डेस्ट ह्यूमन बरियल साइट हैज बिन डिस्कवर्ड इन विच कंट्री? बरियल साइट मतलब जहाँ पर काफ़ी सारे लोगों को डेथ के बाद दफनाया जाता है। दी ओल्डेस्ट ह्यूमन बरियल साइट हैज बिन डिस्कवर्ड इन विच कंट्री? केनिया, इजिप्ट, ब्राजील या फिर वियतनाम? इनमें से किस कंट्री में वन ऑफ द ओल्डेस्ट ह्यूमन बरियल साइट अभी रिसेंटली डिस्कवर की गई है? केनिया, इजिप्ट, ब्राजील या फिर वियतनाम? कोशिश करो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की। आदिति बोले इसका सही आंसर चाहिए ऑप्शन नंबर ए, मतलब केनिया, और अगर कोई अटेम्प्ट करना चाहे तो जल्दी से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकता है। दी ओल्डेस्ट ह्यूमन बरियल साइट हैज बिन डिस्कवर्ड इन विच कंट्री? तो अदिति बोले ऑप्शन नंबर ए, आयुष बोले ऑप्शन नंबर ए, बाकी लोग भी प्लीज़ कोशिश किया करो, जो भी आपको लगे थोड़ा बहुत आंसर आप अटेम्प्ट किया करो, क्योंकि अगर आप अटेम्प्ट करोगे, अगर आपका सही होगा तो वो चीज़ आपको याद रहेगी, अगर गलत होगा तो वो तो आपको 100% याद रहेगी, क्योंकि फिर आपको पता चलेगा कि अच्छा मैं गलत सोचा था, सही आंसर कुछ और था, तो इसलिए अटेम्प्ट करने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही कहने। आपको न्यूज़ आर्टिकल दिखाता हूँ, आर्कोलॉजिस्ट हैव डिस्कवर्ड द ओल्डेस्ट ह्यूमन बरियल इन अफ्रीका, अफ्रीका में केनिया, ठीक है, ऑफरिंग क्लूज अबाउट हाउ अर्ली ह्यूमंस रिगार्डेड डेथ। आगे चलते हैं, नाइन्थ क्वेश्चन सोशल स्टडीज का। तो बस स्टूडेंट्स आज आखिरी डे, हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन करें, इसके बाद खत्म हो जाएंगे क्वेश्चन, कोई और सोशल स्टडीज में कोई और सब्जेक्ट देखेंगे, सब सब्जेक्ट मतलब बड़ा सब्जेक्ट तो सोशल स्टडीज है, इसके अंदर कोई सब सब्जेक्ट देखेंगे। आज हम आखिरी बार यहाँ पर इंपॉर्टेंट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन कर लेते हैं। विच ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन हैज सीज्ड टू बी ऑपरेशनल? किस यूनाइटेड नेशन के ऑर्गन के, ठीक है, आपको पता है यूनाइटेड नेशन के कुछ प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, कुछ नॉन प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, उसमें से वो कौन सा ऑर्गन है जिसके ऑपरेशंस को सीज किया हुआ है? ट्रस्टीशिप काउंसिल, सेक्रेटरीएट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस या फिर इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल? कोशिश करो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की। मैं देख रहा हूँ आदिति, हरमन और आयुष तीनों अटेम्प्ट करें ऑप्शन नंबर ए, जो कि बिल्कुल सही आंसर है, ट्रस्टीशिप काउंसिल। मैंने सर्च करा था कि ट्रस्टीशिप काउंसिल का काम क्या होता था, तो थोड़ा सा जो मुझे समझ में लगा मैं आपको बता देता हूँ। यूनाइटेड नेशन ट्रस्टीशिप काउंसिल, ठीक है, ये वन ऑफ द सिक्स प्रिंसिपल ऑर्गन है, इसको एस्टैब्लिश किया गया था ताकि जो ट्रस्ट टेरिटरीज होती है, ठीक है, ट्रस्ट टेरिटरीज क्या थी, इसको शुरू किया गया था जो यूएन से पुरानी ऑर्गेनाइजेशन होती है, लीग ऑफ नेशंस के टाइम पे। तो ट्रस्ट टेरिटरीज कुछ हद तक उसको
कंट्रोल करने का, मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी यूएन की। तो पहले लीग ऑफ नेशंस की थी, फिर यूएन की थी, पर आज के टाइम पे कोई ट्रस्ट टेरिटरी एग्जिस्ट ही नहीं करती, खत्म हो चुकी है सारी ट्रस्ट टेरिटरीज। तो क्योंकि कोई ट्रस्ट टेरिटरी नहीं है, तो इसलिए इसके ऑपरेशन को सीज कर दिया गया था 1994 में। बनाया इसको भी तभी गया था जब यूएन बना था 1945। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ चुका है। आज भी एक प्रिंसिपल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का। आगे चलते हैं 10th क्वेश्चन। क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशंस इज कंसिडर्ड एज अ यूनिवर्सल ऑर्गेनाइजेशन, विच ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस फुली रिप्रेजेंट द फैक्ट। यूनाइटेड नेशन को एक यूनिवर्सल ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है, इनमें से वो कौन सा ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का जो इस चीज़ को अच्छे से सपोर्ट भी करता है? इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल, सेक्रेटरीट, या फिर जनरल असेंबली, जो आपको बेस्ट लगे वो आप यहाँ पर अटेम्प्ट कर दो। सबसे पहले अटेम्प्ट करें आदिति। आदिति बोले इस क्वेश्चन का सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, मतलब कि दी जनरल असेंबली। और अगर आप में से कोई अटेम्प्ट करना चाहिए, हरमन बोले डी, बिल्कुल सही। तो दुनिया की मैं भूल गया 193, प्लीज़ अगर आप में से मुझे कोई करेक्ट करना चाहे तो 193 मेंबर्स कंट्री है जनरल असेंबली के। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो प्लीज़ कोई करेक्ट कर दो, मुझे तो वैसे यही याद आ रहा है 193 मेंबर्स है जनरल असेंबली के। तो ऑलमोस्ट सारी दुनिया ही होगी यहाँ पर मेंबर। ठीक है, तो जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है जिसको UNGA बोल देते हैं, ये वाला जो ऑर्गन है यूएन का, ये दिखाता है कि कैसे यूनाइटेड नेशंस यहाँ पर एक यूनिवर्सल ऑर्गेनाइजेशन है, पूरी दुनिया की कंट्रीज को साथ लेके चला जाता है। तो ये नंबर में अगर आपको लगता है गलत बोल रहा हूँ तो प्लीज़ मुझे करेक्ट कर दो, मेरे हिसाब से 193 इसका सही आंसर। ठीक है, 11th क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा फाइनेंस काटी का, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ एक्सक्लूडेड लक्ष्मी विलास बैंक फ्रॉम द सेकेंड शेड्यूल ऑफ द RBI एक्ट आफ्टर इट वॉज मर्ज विद विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक। सिंपल क्वेश्चन है कि RBI ने रिसेंटली लक्ष्मी विलास बैंक को अपनी सेकंड शेड्यूल ऑफ RBI एक्ट की लिस्ट से बाहर निकाल दिया है, क्योंकि लक्ष्मी विलास बैंक को रिसेंटली मर्ज कर दिया गया, इनमें से किस बैंक के साथ? SBI बैंक, DBS बैंक, IDBI बैंक, या फिर HDFC बैंक। कोशिश करो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की। ठीक है, हमें बता रहे हैं 193 इज राइट, चलो ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो कोशिश करने की कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लक्ष्मी विलास बैंक को अपने सेकंड शेड्यूल ऑफ RBI एक्ट से बाहर निकाल दिया, क्योंकि लक्ष्मी विलास बैंक को रिसेंटली मर्ज कर दिया गया, इनमें से किस बैंक के साथ? SBI, DBS, IDBI, या फिर HDFC। आयुष बोले ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होना चाहिए, हरमन बोले ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होना चाहिए। और अगर कोई अटेम्प्ट करना चाहे तो जल्दी से करो, इसका बिल्कुल ही जो सही आंसर है ऑप्शन बी, DBS बैंक, बिल्कुल सही। तो RBI एक्सक्लूडेड लक्ष्मी विलास बैंक फ्रॉम सेकंड शेड्यूल ऑफ RBI एक्ट, और DBS बैंक के बारे में भी इन्फॉर्मेशन है इसी आर्टिकल में नीचे लिखी है। ठीक है, चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, इसके बाद हम जल्दी से करेंगे रिवीजन। रिवीजन में जो चार करंट अफेयर्स की न्यूज़ आज हमने पढ़ी है ना, उसकी आपको समरी दे दूंगा। बीच में क्लास थोड़ी रुक भी गई थी, तो आज समरी एक बार देख लो, आपके काम आ जाएगी। क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड एन एडवाइजरी ग्रुप टू असिस्ट सेकेंड रेगुलेशन रिव्यू अथॉरिटी, हु विल बी द हेड ऑफ द ग्रुप। RBI ने कॉन्स्टिट्यूट किया एक एडवाइजरी ग्रुप जो कि असिस्ट करेगा सेकंड रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी को। ठीक है, कौन बनेगा इस ग्रुप का हेड? गौतम ठाकुर, TT श्री वर्षघवान, S जनाकिरण, या फिर रवि, बहुत डिफिकल्ट नाम है, रवि दुबुरु। ठीक है, तो गौतम ठाकुर या फिर TTS, इनको बोल लेते हैं S जनाकिरण किरमन या फिर रवि दुबुरु, इनमें से कौन हेड करेगा इस ग्रुप को? तो कोशिश करो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड एन एडवाइजरी ग्रुप टू असिस द सेकेंड रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी RRA 2.0, हु विल बी द हेड ऑफ दिस ग्रुप। तो अभी तक तो आप में से किसी ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया, तो मैं आपको इसका सही आंसर बता देता हूँ। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि S जना किरामन। ठीक है, S जना किरामन। तो अगर मेरे पास, हाँ, तो RBI sets up an advisory group to assess regulatory review authority। अब इसमें भी तो जो S किरमन है ना, ये जितना मुझे याद आ रहा है MD हैं SBI ग्रुप के अंदर किसी एक सब्सिडी के, शायद तो SBI ग्रुप के किसी सब्सिडी के MD हैं यहाँ पर, जिनका नाम है S जना किरमन, और इनको यहाँ पर अपॉइंट किया गया हेड ऑफ दी ग्रुप। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको क्लियर हो चुकी है। तो स्टूडेंट जल्दी से हम रिविजन करें, उससे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताना चाहता हूँ। अगर आप लोग परचेज करना चाहो बैंकिंग एग्जाम्स की सब्सक्रिप्शन, तो ये ड्यूरेशन के हिसाब से ये प्राइस पे आपको सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है, पर अगर आप यहाँ रेफरल कोड यूज़ करते हो ABHI50 तो आपको एडिशनल ऑफ मिलेगा। ABHI50 रेफरल कोड को आप कोई भी कोर्स परचेज करने से पहले, जो किसी भी ड्यूरेशन का हो सकता है, आप इसको यूज़ करना, ताकि आपको 10% एडिशनल ऑफ मिल जाए आपकी पेमेंट में। ठीक है, अगर आप यहाँ पर वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम टेलीग्राम चैनल को फॉलो करोगे तो सारी क्लासेस की PDFs मैं यहाँ पर अपलोड करता रहता हूँ। उसके बाद स्टूडेंट्स, अगर आप लोग चाहो तो आप लोग मुझे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे भी फॉलो कर सकते हो, अभिनव जोशी नाम से मेरी प्रोफाइल है, जो सारी क्लासेस मैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म लेता हूँ उसका यहाँ से आपको अपडेट मिलता रहेगा। अगर आप लोगों को मेरा टाइम टेबल देखना है, ठीक है, तो जो मेरा टाइम टेबल है यूट्यूब वाला, आप यहाँ से देख सकते हो।
तो डेली करंट अफेयर्स की क्लास है मंडे टू सैटरडे 10 to 11 AM। स्पेशल मैथ की क्लास है मंडे शाम को, जो आज शाम को हम रखेंगे 7:30 से 8 बजे, सेम यूट्यूब चैनल, ठीक है। 6 मंथ्स रिविजन क्लास कैटेगरी वाइज, तो इसमें इस हफ्ते की मैंने अभी कैटेगरी डिसाइड नहीं की, आज शाम तक डिसाइड करूंगा। ये होगी हमारी कल शाम को 7 से 8, तो कल सुबह वाली क्लास में आपको कैटेगरी बता दूंगा। फुल वीक करंट अफेयर रिविजन क्लास होती है फ्राइडे को, तो इसमें अभी टाइम है, ठीक है। ये होती है फ्राइडे शाम को 7 से 8:30, और 20 बेस्ट क्वेश्चन ऑफ बैंकिंग इकोनॉमी हमने पिछले हफ्ते से शुरू किया था, ये भी होगी फ्राइडे शाम को 3 से 3:30 के बीच, ठीक है। आई होप आपको जो सारा मेरा शेड्यूल है यहाँ से अब आपको समझ में आ चुका है। जल्दी से यहाँ रिविजन कर लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज की जो हमारी फर्स्ट न्यूज़ थी वो क्या थी कि साइनोफार्मा, जो कि एक चाइनीज़ वैक्सीन है, उसको रिसेंटली WHO ने अप्रूवल दे दिया। तो पहली ऐसी चाइनीज़ वैक्सीन है जिसको WHO ने अप्रूवल दे दिया, अब इसको कोवैक्स में भी जोड़ा जाएगा। साइनोफार्मा के अलावा एक और यहाँ पर वैक्सीन है चाइना की, जिसका नाम क्या है, उसका नाम है यहाँ पर साइनोवैक। इसको भी WHO ने अप्रूवल नहीं दिया, पर साइनोवैक को दुनिया की कुछ कंट्रीज ने यूज़ करना शुरू कर दिया। जैसे पाकिस्तान बहुत बड़े स्केल पर साइनोवैक को यूज़ करा, और दुनिया की कुछ कंट्रीज़ ने क्रिटिसाइज भी किया था साइनोवैक को, जैसे ब्राज़ील और यूरोपियन कंट्रीज़, कि इतनी सेफ वैक्सीन नहीं है। सेकेंड न्यूज़, क्योंकि आपको पता है 8th ऑफ मई को इंडिया, मतलब हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर और यूरोपियन यूनियन के बीच में एक वर्चुअल मीटिंग हुई है। तो इस मीटिंग में काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर बात की गई, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट थी कि इंडिया और यूरोपियन यूनियन फिर से यहाँ पर बातचीत करेंगे ताकि एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो सके। अगर इंडिया और EU के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होता है तो बहुत बड़े स्केल पे जो ट्रेड है दोनों कंट्रीज के बीच में बढ़ जाएगा। तो 8 साल के गैप के बाद फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे बात की जाएगी बिटवीन इंडिया एंड EU। यूरोपियन यूनियन के बारे में जो स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन थी, जैसे हेडक्वार्टर्स ब्रसल्स बेल्जियम, से मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। थर्ड न्यूज़ थी कि ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया ने एक एंटी कोविड ड्रग को अप्रूवल दे दिया, जिसको DRDO ने बनाया, ठीक है। तो DRDO ने एक ड्रग बनाया, इसका नाम है 2DG, वैसे तो उसका पूरा नाम है 2-dexo-D-glucose, तो 2DG ड्रग बोलते हैं इसको। ये उन लोगों को मदद करेगा जो मॉडरेट और सीरियस पेशेंट्स हैं कोविड के, तो ये एक वैक्सीन या ड्रग है जो कि मदद करेगा जल्दी रिकवर करने में। DRDO के अंदर एक लैब है, इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंसेज INMAS, उस लैब ने असल में डॉक्टर रेड्डीज लेबॉर्टीज जो प्राइवेट कंपनी, उनके साथ मिलकर इस ड्रग को बनाया है। ये ड्रग का फेज 2 फेज 3 ट्रायल सब हो चुके हैं, उसके बेसिस पे ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया ने अप्रूवल दिया। फोर्थ और आखिरी न्यूज़ थी कि चाइना का जो एक रॉकेट था, जो कि इनका एक स्पेस स्टेशन का मॉड्यूल स्पेस में छोड़ के वापस क्रैश कर रहा था, तो ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, चाइना का इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रह गया था, और इसने बहुत ही क्लोज, ये जो मालदीव्स है, ठीक है, इसके बहुत क्लोज आके इसने क्रैश किया। तो पूरी दुनिया ने बहुत क्रिटिसाइज किया चाइना को, चाइना जो अपने आप को एक स्पेस पावर समझने लग गया था, ठीक है, तो पूरी दुनिया ने बहुत क्रिटिसाइज किया कि आप एक रॉकेट को भी कंट्रोल नहीं कर पाए। अगर कोई ऐसी जगह पे गिर जाता जहाँ ह्यूमन पॉपुलेशन होती तो काफ़ी लोगों की डेथ भी हो सकती, ठीक है। चाइना के जो नेशनल स्पेस एजेंसी है, जैसे हमारे इसरो, उनकी है CNSA, चाइनीज नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके साथ इस क्लास में जितना भी मुझे सिलेबस कवर करना था मैंने कवर कर लिया। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। अगर आप में से किसी का कोई डाउट है प्लीज़ अपने डाउट को पूछ लो। मेरी तरफ से क्लास खत्म होती है, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड हैव अ वेरी सक्सेसफुल डे। अब हम लोग मिलेंगे शाम को 7:30 से 8 बजे वाली क्लास में, और हम लोग डिस्कस करेंगे स्पेशल मैप क्लास को, ठीक है। तो अगर किसी को कुछ भी पूछना है प्लीज़ पूछ लो। थैंक यू आयुष, थैंक यू क्लास को अटेंड करने के लिए। थोड़ा इंटरनेट की स्टूडेंट्स प्रॉब्लम आ गई, पर आई होप बाद में उसके बाद ठीक चलता रहा। थैंक यू आयुष, थैंक यू अदिति। स्टूडेंट्स अगर आप में से किसी को कोई भी डाउट है प्लीज़ आप अपने डाउट को पूछ सकते हो। मेरी तरफ से क्लास में जितना मुझे सिलेबस कवर करना था वो यहाँ पर खत्म होता है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड हैव अ वेरी सक्सेसफुल डे। थैंक यू हरमंदिर, थैंक यू स्टूडेंट्स।